फोकरे और फोकरे रिटर्न्स में अपनी मजेदार हरकतों से और देसी जुगाड़ों से हमें गुदगुदाने के बाद फोकरा गैंग यानी कि हनी चुचा पंडित जी और लाली एक बार फिर से बड़े पर्दे पर फोकरे 3 के साथ धमाल मचाने आ गए हैं। फोकरे फ्रेंचाइजी की पहली 2 इंस्टॉलमेंट ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी, वही लेटेस्ट पार्ट में ट्रेलर को भी लोगों ने जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इसी बीच फोकरे 3 का फर्स्ट रिव्यू भी आउट हो गया है, तो आइए जानते हैं कि कैसी है ये फिल्म। फोकरे 3 को देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं। ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर के साथ गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसी बीच फोकरे 3 का पहला रिव्यू सामने आ चुका है। फिल्म क्रिटिक तरुण आदर्श ने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में बताया कि फोकरे 3 कैसी फिल्म है। तरुण आदर्श ने फोकरे 3 का रिव्यू देते हुए लिखा है कि एक बार फिर से एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाइए। फोकरे 3 अपने कॉन्सेप्ट पर खरी उतरती है। ये जंगली निराला पागल ट्विस्टेड और मजेदार है, जिसमें बहुत सारे लॉल मोमेंट है। रुकिए एक मैसेज भी है, एक ब्रांड निश्चित रूप से यहाँ रुकने के लिए कहती है। रिकमेंडेड फोकरे 3 रिव्यू। अपने पिछले इंस्टॉलमेंट की तरह ही फोकरे 3 एक पैकेज से के रूप में काम करता है, लेकिन जिसके लिए तालियों और सीटियां बजने के लिए मजबूर होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि चूचा यानी कि वरुण शर्मा ही है। उनके वन लाइनर्स रोमांस और वन साइडेड रोमांस फोकरे 3 की आत्मा है। पुलकित सम्राट शानदार फॉर्म में है, वो एक ऐसे किरदार निभा रहे हैं जिस पर सभी का ध्यान जाना तय ही है। मंजोत एक और प्रतिभा है जिसे और अधिक देखा जाना चाहिए, वो अव्वल दर्जे के हैं। वही पंकज त्रिपाठी ठीक है, वो हमेशा की तरह फ्लॉलेस है, कभी भी झूठा कदम नहीं, वो पिच परफेक्ट है। रिचा चड्ढा बहुत बढ़िया है, हालांकि कोई चाहता है कि भोली पंजाबन पहले की तरह ज्यादा चतुर और हिसाब किताब करने वाली हो। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राइटिंग और एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चूचा के साथ उनके सीन्स बेस्ट है। अमित धवन एंटागनिस्ट एक्सीलेंट है। डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा ने फोकरे 3 को बिल्कुल नया मोड़ देने की कोशिश की है, बावजूद इसके सार को बरकरार रखने के लिए फुल मार्क्स के हकदार है। साथ ही वो भी निश्चित करते हैं कि फिल्म में सामान्य जोक और व्यंग्यात्मक के अलावा भी और कुछ हो। ब्रांड वैल्यू, इसके सॉलिड कंटेंट और निश्चित रूप से लॉन्ग एक्साइटेड वीकेंड के कारण फोकरे 3 को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करनी चाहिए। तरुण ने इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं, साथ ही रैंकिंग भी बताया है। वही कमाई की बात करें तो ट्रेड एनालिस्ट सुमित कैडल के मुताबिक फोकरे 3 अपने पहले दिन 8 से 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन आसानी से कर सकती है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? फोकरे 3 को लेकर दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।